हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिम इंडिया। लास्ट वीडियो में हम लोग जो है रिविट के अंदर पिक लाइंस मेथड को यूज करके कैसे वॉल्स को जो है मॉडल करना है वो चेक करे थे। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑटोकैड की ड्राइंग को जो है रिविट के अंदर इंपोर्ट या लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद हम लोग जो है उसको एज ए रेफरेंस यूज करके वॉल्स को जो है ड्रॉ करेंगे। तो आपको जो है फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट जो है आपको ऑटोकैड की ड्रॉइंग को यहाँ पर लिंक करना है। लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करें। लिंक ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो एक नया विंडो ओपन होगा। आप इसमें क्या करना है, आपको जहां पर भी जो भी लोकेशन पे आपकी ड्रॉइंग सेव है, जैसे कि अगर आप माई कंप्यूटर पे सेव करें या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर जो है आपके डेस्कटॉप पे सेव करें। मेरी ड्रॉइंग जो है यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाके मुझे जो है जो भी ड्राइंग सेलेक्ट करना है, जैसे कि फ्लो प्लान लेवल 1 जीए ड्राइंग सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ड्राइंग को जो है आपको सेलेक्ट करना है। ड्राइंग सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसके थोड़े सेटिंग्स आप जो है चेंज कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो। मैं जो है सिर्फ एक ही सेटिंग के अंदर चेंज करूंगा। कलर को जो है मैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि ऑटोकैड के जो है लेयर्स अलग अलग कलर में रहते तो अलग अलग कलर जो है यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसलिए क्या उसको सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में कर देंगे और बाकी के सब सेटिंग्स जो है हम सेम रखेंगे। उसके बाद जो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद जो है आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग यहाँ पर रिविट के अंदर लिंक हो जाएगी। रिविट की ड्राइंग लिंक होने के बाद जो है आप जहां पर चाहे वो पोजीशन पे जो है ऑटोकैड की ड्राइंग प्लेस नहीं होंगी, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके जूम टू फिट करना है। जूम टू फिट करने के बाद आपको क्या है, पूरा आपका जो है स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, ओवरऑल ड्राइंग एरिया। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग कहाँ पर आके प्लेस हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटोकैड की ड्राइंग को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपके डिजायर लोकेशन पे जो है आप जो लोकेशन पे चाह रहे वो लोकेशन पे जो है आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग को आपको मूव करना है। लेकिन मूव करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोकैड की ड्राइंग को जो है अनपिन करना पड़ेगा। अभी जो है फिल वक्त हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग जो है पिन है, जो पिन का सिंबल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है मूव का ऑप्शन सेलेक्ट करके ड्राइंग को अगर मूव करने की कोशिश करा तो आपको जो है एक एरर आएगा, कांट मूव पिन एलिमेंट्स। ये इसलिए आ रहा क्योंकि आपकी जो ऑटोकैड की ड्राइंग है पिंड है। तो आपको क्या करना है, ड्राइंग को सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर जो है पिन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे आप तो ये जो है अनपिन हो जाएगी। उसके बाद जो है आप क्या करें, मूव ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग को जो है जो लोकेशन पे आप चाह रहे वो लोकेशन पे यहाँ पर मूव कर सकते हैं, या फिर आप आपके माउस से सिलेक्ट करके भी जो है इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोकैड की ड्राइंग आप जो है मूव करने के बाद आपको क्या करना है, ऑटोकैड की ड्राइंग को जो है आप रीड कर लें कि आपको ऑटोकैड की ड्राइंग में से कौन से चीजें वॉल के लिए रेफरेंस में लेनी है। आपके पास जो है ऑटोकैड की ड्राइंग में यहाँ पर जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइंस है। उसके बाद जो है आप ये जो डार्क सॉलिड फिल ब्लैक कलर देख रहे हैं ये आपके कॉलम्स है, और यहाँ पर ये जो दो लाइन्स देख रहे हैं आप ये आपकी वॉल है यहाँ पर, और आपके पास जो है यहाँ पर डोर है, विंडोज है, और बेडरूम के जो है आपके पास नेम्स है, यहाँ पर जो है आपके स्टेयरकेस है, यहाँ सामने जो है आपका मेन गेट है। ये प्लान जो है हम लोग क्वांटिटी सर्वे के अंदर क्वांटिटीज निकालने के लिए यूज करे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो लाइंस है ये दो लाइंस में से हम लोग जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर फेस यूज करके इनको एज ए रेफरेंस यूज करेंगे, और यहाँ पर भी जो है हम पिक लाइन का मेथड यूज करेंगे वॉल को मॉडल करने के लिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं जो है ऑटोकैड की ड्रॉइंग को सेलेक्ट कर लूंगा और जो है यहाँ पर मॉडिफाई के टैब में व्यू में जाके यहाँ पर सिलेक्शन बॉक्स को जो है क्लिक कर दूंगा। सिलेक्शन बॉक्स क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पर अपनी ऑटोकैड की ड्रॉइंग जो है यहाँ पर 3D व्यू में भी आ जाएगी। तो इससे क्या है, जब हम जो भी मॉडल करेंगे वो मॉडल एलिमेंट्स को हमारे वॉल्स को जो है हम 3D में भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, प्लान के अंदर जाके यहाँ पर आपके आर्किटेक्चर में टैब में जाएं। आप आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद आप जो है आपके वॉल को सिलेक्ट कर लें, आर्किटेक्चरल वॉल। उसके बाद जो है आप आपकी कोई भी एक वॉल टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। वॉल टाइप सेलेक्ट करने के बाद जो है आप आपका बेस लेवल, बेस कंस्ट्रेंट और टॉप कंस्ट्रेंट सेट कर लें। मेरा बेस कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है और टॉप कंस्ट्रेंट जो है मेरा फर्स्ट फ्लोर है। लोकेशन लाइन जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिनिश फेस एक्सटीरियर को यूज करूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिक लाइन का मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्राइंग ऑप्शन में से पिक लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग पे यहाँ पर आएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये जो है आपको अंदर इसका रेफरेंस आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो आपको जो है आपकी वॉल यहाँ पर मॉडल हो गई। अब वॉल मॉडल हुई नहीं हुई वो चेक करने के लिए आपके पास क्या है, एक चीज तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। पहले क्या है, आपको यहाँ पर बीच में ग्रिड लाइन दिख के आ रही थी ऑटोकैड की, लेकिन अभी जो है आपको ग्रिड लाइन दिख के नहीं आ रही। फिर सेकंड ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, 3D में जाके भी आप जो है चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कर सकते हैं, आप सीधा प्लान में जाकर जो है आप सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं कि आपकी वॉल जो है मॉडल हुई या नहीं हुई। फिर उसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसी वॉल को सिलेक्ट करेंगे। फिर क्रिएट के अंदर यहाँ पर क्रिएट सिमिलर का ऑप्शन है, या फिर आप CS टाइप करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर से जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट सिमिलर करेंगे और जो यहाँ पर फिर से पिक लाइन का मेथड जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। पिक लाइन मेथड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर पूरे वॉल्स को इसी तरह सेलेक्ट कर लेते जाएंगे। पूरे वॉल्स को सेलेक्ट करने के बाद भी क्या है, आपको यहाँ पर बीच में थोड़े गैप्स रह जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल को क्या अपन पिक लाइन करके सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो है बीच में विंडो है, तो ये विंडो की स्पेस जो है एम्प्टी रहेगी। उसी तरह क्या है यहाँ पर टॉयलेट में भी आप देख सकते हैं, टॉयलेट में भी क्या है यहाँ पर डोर है, तो इसलिए जब मैं ये लाइन को जहाँ पर पिक लाइन सेलेक्ट करा तो ये लाइन क्या है यहाँ पर डोर के बाहर ही यहाँ पर रुक गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है ट्रिम एंड एक्सटेंड कर ले सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी 3D व्यू के अंदर चलते हैं, तो ये क्या है आपका 3D व्यू है। 3D व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो है वॉल ऑलमोस्ट जो है प्रिपेयर हो गए, ऑलमोस्ट जो है मॉडल हो गए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ट्रिम एंड एक्सटेंड का ऑप्शन यूज करके इन सबको जो है करेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मॉडिफाई टैब में जाकर यहाँ पर ट्रिम एंड एक्सटेंड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप TR टाइप कर सकते हैं शॉर्टकट की। उसके बाद जो है आप ये वॉल को सेलेक्ट करें, फिर इसी तरह जो है पूरे वॉल्स को जो है यहाँ पे एक के बाद जो है आप सेलेक्ट कर लेते जाएं और इन लोगों को जो है यहाँ पर ट्रिम कर लें और एक्सटेंड कर लें। तो उससे क्या होगा, आपको पूरे वॉल्स का जो है आपको रेफरेंस मिल जाएगा और जितने भी इसके बीच में जो गैप्स थे वो गैप्स भी जो है आपके ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे और आपका जो है पूरा कंप्लीट प्लान जो है आपका अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है ट्रिम एंड एक्सटेंड के बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है आपका यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह हम जो है ऑटोकैड की ड्राइंग को एज ए रेफरेंस जो है रिविट के अंदर लिंक कर सकते हैं और उसके लाइंस को जो है यूज करके हम लोग जो है पिक लाइन के मेथड से वॉल को जो है किस तरह मॉडल कर सकते हैं और जो है ट्रिम एंड एक्सटेंड का ऑप्शन यूज करके हम उसको किस तरह ट्रिम कर सकते हैं वो देखे। इसी के साथ साथ जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है रिविट के अंदर वॉल टाइप्स कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे मॉडिफाई करना है उसके बारे में जानेंगे।